یِمن کُس اوس کلاس گوٚو ٹُویلتھس؟ अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपको पता है कि ओआरसीसी जो प्रोग्राम है ये आज से स्टार्ट हुआ, तो इसके सिलसिले में बेटा आपके साथ हम वीडियो लेक्चर जो है शेयर कर रहे हैं। तो मैं इस टाइम आपके साथ ऑनलाइन आ गया क्योंकि मैंने चाहा कि मैं ऑनलाइन ही आपके साथ बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँ, डायरेक्टली लाइव सेशन आपके साथ लूँ, क्योंकि उससे बेटा एक एडवांटेज मिलती है कि आप एक्टिव रहते हैं और टीचर भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहता है। तो चले बेटा, अब हम आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम आपका जो 12th पार्ट में बेटा गेस है, बोर्ड रिलेटेड गेस है, वो देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला चैप्टर जो मैंने यहां स्टार्ट किया है जिसमें हम बोर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और देखिए बेटा, अब हम देखेंगे यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि बेटा आपको उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सिखाया जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह जो ही बेटा आज के लेक्चर्स आपको खत्म हो जाएंगे तो फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का बेटा आपको सीधे पीडीएफ क्वेश्चंस का मिलेगा। तो चले बेटा, अब सबसे पहले ह्यूमन प्रोडक्शन में कौन सा क्वेश्चन है जो आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए बेटा, पहला ही क्वेश्चन जो यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, दैट इज Draw a well-level diagram of male reproductive system. तो male reproductive system की बेटा आपको डायग्राम यहां पे बनानी पड़ेगी।
बस बेटा डायग्राम पे या फोकस करेंगे। और आमतौर बेटा ये क्वेश्चन जो है या तो ये दो नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर बेटा ये आपका तीन नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपको डायग्राम बराबर इसी तरीके से डिजाइन करनी पड़ेगी जैसे बेटा यहां पे डिजाइन की गई है। तो इसीलिए बेटा अब मैं इसी डायग्राम को मैन्युअली बेटा आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि जब भी मेल प्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मुझे डायग्राम पूछी जाएगी तो आप कैसे बेटा स्टार्ट करोगे। तो देखिए बेटा आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बेटा डायग्राम तो यही है क्योंकि पीडीएफ आपका यही आएगा बराबर बेटा बोर्ड एग्जाम में आप इसी तरीके से डायग्राम डिजाइन करेंगे। अब बेटा हम इस डायग्राम को यहां डिजाइन करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स बोलेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। तो चले बेटा मेरे साथ जुड़ जाइए। तो देखिए बेटा डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा आपको पता है कि जो मेल होता है उसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज टेस्टिस। तो चलिए बेटा ये अब यहां पर एक टेस्टिस है और ये बेटा यहां पे दूसरा टेस्टिस है। और ये भी आपको पता है कि जो मेल होता है उसमें जो टेस्टिस होते हैं दैट आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये आप सबको पता है। उसके बाद बेटा ये भी आपको पता है कि मेल में जो टेस्टिस होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और ये जानबूझ के बेटा ऐसा किया गया है, नहीं तो जो इंसान होता है जब वो मां के यूट्रस में एक मेल होता है उस टाइम उसकी जो टेस्टिस होती है वो किडनी के नीचे बनती है। उसके बाद वो किडनीज जब बच्चा 7 महीने का मां के यूट्रस में होता है तो वो किडनीज सॉरी बेटा जो टेस्टिस है वो डिसेंड करती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में थ्रू इंग्यूनल कैनाल और पहुंचती एक पाउच में एंड दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम। तो चलिए बेटा अब यहां पर ये दो टेस्टिस है और ये वो पाउच है एंड दैट पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम जिसमें बेटा ये टेस्टिस रहते हैं। तो चले बेटा अब देखिए यहां पे क्या होगा। सबसे पहले जो ये मेल का टेस्टिस होता है इसके अंदर बेटा ऐसे पार्टीशंस होते हैं एंड दोज पार्टीशंस आर कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। और ये लगभग बेटा 250 होते हैं। यहां पे बेटा आपके नीट के भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जिन पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो अब तो मैंने यहां पे बेटा जो टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए, नहीं तो हकीकत में बेटा ये कितने होते हैं 250। और यहां पर भी बेटा जो दूसरा टेस्टिस है इसमें भी आपको ये 250 नंबर में मिलेंगे। उसके बाद देखिए बेटा अब जो ये आपका यहां पे टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स होते हैं इनमें बेटा अब ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं एंड दीज कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको बेटा इसमें मिलते हैं हर किसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल में आपको 1 से 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। यही तो है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मेल टेस्टिस का, क्योंकि इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा आपको जर्माइनल एपिथेलियम मिलेगा जहां पे आपको जर्म सेल्स मिलेंगे वही आगे जाके बेटा स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। और इसी में बेटा आपको एक किस्म की सेल मिलने वाली है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड सेरेटोली सेल्स जो आगे जाके नरिशमेंट देंगे टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, गौर से देखिएगा ये मैं अब आप बेटा जब डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप डिजिग्नेट करेंगे कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्क्रोटम। उसके बाद बेटा अब आप डिजिग्नेट करोगे कि जो पिंक कलर से मैंने यहां पे स्ट्रक्चर्स बनाए तो दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अच्छी तरह से देखिएगा बेटा। उसके बाद अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये कंटिन्यूअसली बेटा स्पर्म्स बनाते हैं। सो मेल जो है वो 2400 पहर बेटा स्पर्म्स बनाता रहता है। और आप चौंक जाओगे सुन के बेटा इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हर दिन एक मेल 10^12 to 10^13 स्पर्म्स बनाता है। अब देखिए बेटा इन स्पर्म्स को आगे बढ़ना है, अब देखेंगे कहां जाएंगे। सबसे पहले अब ये स्पर्म्स बेटा आगे की ओर जब बढ़ते हैं पहले बेटा ये एक डक्ट सिस्टम में चले जाते हैं एंड दोज डक्ट सिस्टम्स आर कॉल्ड एज टिब्यूली रेक्टाई। तो बेटा अब हम यहां पर इसको लिखेंगे जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, इसी तरह आप एग्जाम में इसको बनाते जाएंगे। आपको तो तेजी के साथ बनाना है, आपको वहां कोई चीज डिस्कस नहीं करना है पर मुझे यहां डिस्कस करना है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब बेटा ये स्पर्म्स जाएंगे टुवर्ड्स द टिब्यूली रेक्टाई, फिर उसके बाद टिब्यूली रेक्टाई से अब ये स्पर्म्स कहां की ओर जाएंगी, अब ये एक और बेटा डक्ट सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे ये स्पर्म्स एंड दिस डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस।
उसके बाद बेटा अब ये जो रेटेड टेस्टिस से स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे, अब ये एक और बेटा डक्ट सिस्टम में चला जाएगा, एंड दोज डक्ट सिस्टम्स आर कॉल्ड एज, यहां पे मैं लिखूंगा, दे आर कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, देखिए बेटा ये डक्ट्स तीन जो आपने देखे, चाहे वो टिब्यूली रेक्टा हो, रेटेड टेस्टिस हो, या बेटा वासा एफरेंशिया है, क्या बेटा ये टेस्टिस के बाहर है कि टेस्टिस के अंदर है? सर आपने तो टेस्टिस के अंदर दिखाया, इसीलिए बेटा इनको हम एक नाम से जानते हैं, इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम में क्या क्या आता है मेरे बच्चों, याद रखना इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम बेटा वो डक्ट सिस्टम होता है जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है, बट दैट इज प्रेजेंट विद इन द टेस्टिस। और इसमें बेटा शुरुआत सबसे पहले होती है आपके बेटा टिब्यूली रेक्टाई का, टिब्यूली रेक्टाई के बाद बेटा आएगा आपका शाबाश बेटा रेटेड टेस्टिस, और रेटेड टेस्टिस के बाद बेटा एक और चीज आपका इसमें आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया। तो सारे मेरे साथ बोलिएगा बेटा, आप भी अपने साथ बोलिएगा क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर चल रहा है। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम क्या होता है, तो देखिए बेटा आप झट से कहना, सर इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम वो डक्ट सिस्टम होता है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, और ये कनेक्टेड होते बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के साथ। जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म्स बनती है वो चली जाती है बेटा पहले टिब्यूली रेक्टम में, टिब्यूली रेक्टम से बेटा रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया में। सर उसके बाद अब ये स्पर्म्स कहां जाएंगे, अब जरा बेटा गौर से देखिएगा। अब जो ये आपका यहां पर बेटा वासा एफरेंशिया है, ये तमाम डक्ट्स बेटा अब जुड़ जाती है और बाहर एक कॉइल्ड डक्ट निकलती है, एंड दैट कॉइल्ड डक्ट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं बेटा इसमें, एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस बेटा अब आप यहां पे डिजिग्नेट करेंगे, तो चले बेटा मैं यहां से इसको डिजिग्नेट करूंगा क्योंकि मेरी स्पेस यहां से है, एंड दिस डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। उसके बाद अब बेटा जो एपिडिडाइमिस है लंबा कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 6 मीटर लंबा होता है, और यह बेटा स्पर्म्स को स्टोर करता है। उसके बाद अब देखिए बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, अब जो ये आपका यहां पे वाज बेटा ये एपिडिडाइमिस है, इससे अब एक बेटा डक्ट उठता है, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस। अब ये वास डेफरेंस जो है ये बेटा चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी की ओर, डिसेंड करता है, और अब बेटा जो ये वास डेफरेंस यहां पे है ये एब्डोमिनल कैविटी की ओर असेंड करता है, ऊपर की ओर चला जाता है, और इसको आप बेटा अपने बोर्ड एग्जाम में नाम देंगे वास डेफरेंस। समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपको पता है जो ये एब्डोमिनल कैविटी की ओर डिसेंड करेगा इसको ऊपर बेटा एक चीज मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लेडर। ये बेटा यूरिनरी ब्लेडर है, और ये भी आपको पता है कि जो यूरिनरी ब्लेडर है वो कनेक्टेड होता है बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। तो यहां पर बेटा आप लिखेंगे दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर, अच्छी तरह से देखिएगा बेटा, और दिस इज नाउ बेटा जो स्ट्रेट ट्यूब आपको यहां पे मिलता है, एंड दिस स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। क्योंकि जब बेटा हम पिशाब करते हैं यूरिनेशन हो जाती है, तो जो आपका यूरिनरी ब्लेडर है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और पिशाब बेटा यूरिथ्रा से कहां निकलता है, बाहर। उसके बाद बेटा अब यहां पर कहानी देखिएगा, कहानी यह है कि जो ही बेटा अब ये एब्डोमिनल कैविटी पे आता है, टेक्स्ट बुक को बेटा फॉलो कीजिएगा, अब जो आपका यूरिथ्रा है वो बेटा लूप कर देता है, बेंड कर देता है यूरिनरी ब्लेडर पे, और जहां पे ये बेंड करता है, जहां पे ये लूप करता है यूरिनरी ब्लेडर पे, वहां पर बेटा अब ये एक ग्लैंड डक्ट के साथ मिल जाता है, एंड दैट ग्लैंड इसको हम यहां लिखेंगे सेमाइनल वेसिकल। और याद रखिएगा बेटा जब हम एक मेल में देखते हैं उसमें बेटा एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ही है, साथ साथ तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएट है इसके साथ। पहला ग्लैंड जो आप यहां देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल। इसी तरह बेटा अगर यहां से भी कंटिन्यूटी लाऊंगा, क्योंकि आपको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सब कुछ दिखाना पड़ेगा, तो जब आप दोनों तरफ से देखेंगे यहां पे मैं थोड़ा बहुत बेटा इसको रफ आइडिया पे ले जाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने यहां से सब कुछ दिखाया, सेम विल पर्टेन ऑन दिस साइड। ये बेटा अब यहां पे
करना, सबसे पहले टिबियल रेक्टाई, फिर टिबियल रेक्टाई के बाद रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया। तो ये बेटा अब यहां पर जो बाहर निकल के ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस इस साइड भी है, इस साइड भी है। फिर इसी एपिडिडाइमिस से बेटा अब एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उठेगा, ये भी लूप करेगा वैसे जैसे इस काउंटर पार्ट में हो रहा था, एंड This is called as बेटा vas deferens, क्योंकि यहां से मैं डिजिग्नेट कर चुका हूं, इससे बेटा आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बेटा अब यहां पर ये मिलेगा ग्लैंड के साथ, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज सेमिनल विजिकल। सो सेमिनल विजिकल्स कितने होते हैं बेटा? दो। आप देखिए बेटा आगे जाके क्या होगा। अब जब यहां पर वास डेफरेंस मिला विद द डक्ट ऑफ सेमिनल विजिकल, नाउ बेटा ये एक डक्ट बनाएगा, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहां से बेटा अब ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, सॉरी ये ओपन हो जाएगा यूरिथ्रा में, और इसी तरह बेटा यहां से भी इजैकुलेटरी डक्ट आएगा और ओपन हो जाएगा, किसमें बेटा? यूरिथ्रा में। तो नाउ बेटा हम यहां पर इसको लिखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, अच्छी तरह से देखिए बेटा। फिर इजैकुलेटरी डक्ट जब बेटा जाएगा डायरेक्टली किसमें? यूरिथ्रा में। यहां पर आप आपको एक ग्लैंड मिलेगा, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी को चीर के बेटा इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ज्वाइन करते और पहुंचते हैं बेटा यूरिथ्रा में, एंड दिस व्हाइट स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पर बनाया इट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, अच्छी तरह से बेटा। उसके बाद अब प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आपको एक और ग्लैंड मिलने वाला है, तो चले बेटा इसको हम ग्रीन कलर से लेंगे। ये बल्ब शेप्ड होते हैं बेटा दो ग्लैंड्स जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे मिलेंगे, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, या इसको बेटा हम एक और नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। So, कुल मिला के बेटा अब आपने देखा कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, ये भी बेटा किसमें ओपन हो जाते हैं? यूरिथ्रा में। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूरिथ्रा है वो बेटा एक स्ट्रक्चर में रन करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज द मेल पेंस। आप देखिए बेटा ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। तो अब हम बेटा एक रिवाइज करेंगे कहां पे कौन सी चीज है, तो चले बेटा इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में बेटा डायग्राम बनाएंगे। टाइम तो आपको कम ही लगेगा बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डली बेटा आपको इसको 5 मिनट में या 6 मिनट में करना है। मैंने इसलिए टाइम लिया ताकि आपको पता चले कि डायग्राम बनाने के टाइम किस पार्ट को हमें बेटा किस तरीके से डिजाइन करना, किस तरीके से बेटा उसको अपना नाम देना है। तो चले बेटा स्टार्ट करेंगे, शाबाश बेटा, सारे अटेंटिव रहिए और देखिए बेटा कैसे अब आपका स्पर्म जो है वो कैसे आगे बढ़ता है। कंटिन्यूअसली स्पर्म्स किन में बने? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से गए टिबुली रेक्टाई, टिबुली रेक्टाई से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, और यहीं पर बेटा स्पर्म स्टोर रहते हैं। पर जब एक मेल इजैकुलेशन करता है, जब वो सिमेन को बेटा इजैकुलेट कर देता है, तो देखिए उस टाइम क्या होता है कि जो बेटा एपिडिडाइमिस है वो कंट्रैक्शन करता है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं। तो अब ये बेटा स्पर्म्स जाएंगे किसमें बेटा? वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस के जरिए आगे बढ़ेंगे, मत जो ही बेटा ये वास डेफरेंस के जरिए आगे बढ़ते हैं उसी टाइम सेमिनल विजिकल जो है वो अपनी एक्सक्रीशन देता है, और अब ये स्पर्म्स के साथ मिलता है। तो अब बेटा ये फ्लूइड आगे बढ़ता है और पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट के जरिए यूरिथ्रा में पहुंचता है, और जो ही ये यूरिथ्रा में पहुंचता है वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी अपनी सेक्रीशंस इसमें देता है। फिर बेटा ये फ्लूइड आगे बढ़ता है और जो ही ये कॉपर्स ग्लैंड पे पहुंचता है वहां पे कॉपर्स ग्लैंड भी अपनी सेक्रीशन देता है, और अब बेटा एक फ्लूइड बाहर फेंका जाता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीमेन। तो क्या मैं हक के साथ अब आपके दिमाग तक एक चीज पहुंचाऊं? बेटा पहुंचाना यह है कि जो आपका सिमेन होता है, एक तो बेटा उसमें स्पर्म्स होती होती है और उसमें बेटा फ्लूइड्स भी होते हैं। एक तो फ्लूइड्स होते हैं मोस्टली ज्यादातर एपिडिडाइमिस के, वास डेफरेंस के, सेमिनल विजिकल के, शाबाश बेटा आप प्रोस्टेट ग्लैंड के और कॉपर्स ग्लैंड के। एक तो एक्सक्रीशंस जो बेटा एपिडिडाइमिस से आई, वास डेफरेंस से आई, सेमिनल विजिकल से आई, प्रोस्टेट ग्लैंड से आई, कॉपर्स ग्लैंड से आई, प्लस स्पर्म्स, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सिमेन। So, ये बेटा आपका मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हो बेटा आपको सब कुछ पार्ट्स बेटा क्लियर हुए होंगे। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके बोर्ड में आ सकता है। द
draw a labeled diagram of female reproductive system. डायग्राम बेटा ये आपके टेक्स्ट बुक से उठाई गई है, तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर बेटा अब आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये भी बेटा लगभग 2 मार्क्स लेकर आएगा या फिर 3 मार्क्स लेकर आएगा, पर इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 2 मार्क्स आने के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बेटा 3 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए बेटा अब यहां पर देखेंगे कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किस तरीके से बेटा इसे कुदरत ने डिजाइन करके रखा है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जरा यहां पे नजर रखिएगा, इसको भी मैं बेटा अपने हाथ से ही बनाऊंगा ताकि बेटा आपको अल्टीमेटली हाथ से ही बनाना है। ऐसा तो नहीं है टेक्स्ट बुक की डायग्राम उठाओगे और चिपकाओगे वहां पे, ना, आपको हाथ से ही तो बनाना है ना। तो चलिए बेटा अब यहां पर सबसे पहले देखिएगा, हम यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा हम कलर यहां पे थोड़ा बहुत तेज इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो चलिए बेटा अब मैं यहां व्हाइट कलर ही पहले इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए बेटा अब यहां पर ये यूट्रस बन रहा है एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। प्लीज बेटा अब यहां नजर रखिएगा, थोड़ा बहुत इसको बेटा हम प्रोफेशनल तरीके में बनाएंगे। तो ये बेटा अब यहां पर यूट्रस बना। उसके बाद बेटा ये यूट्रस अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको ये 2 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, एंड दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। इसी तरह बेटा यहां से भी एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एंड दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप फेलोपियन ट्यूब को ही डिजाइन हम करेंगे अच्छी तरह से। बेटा अब यहां पर आप देखेंगे इसी तरह बेटा आप डायग्राम को डिजाइन करेंगे जब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा। अच्छी तरह से बेटा देखिएगा, अब यहां पर आप देखिएगा ये फेलोपियन ट्यूब है। तो सबसे पहले आप डिजिग्नेट फेलोपियन ट्यूब को करोगे, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। अच्छी तरह से देखेंगे तो लॉजिक से यहां से भी ये फेलोपियन ट्यूब है। उसके बाद बेटा अब आप देखेंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसके फर्दर बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो यहां पर आपको दिखता है जो फनल शेप्ड है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनफेंडिब्यूलम। इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद इनफेंडिब्यूलम के बाद जो एक कर्वड पार्ट आपको डायलेटेड पार्ट यहां दिखता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, AMPULLA एम्प्यूला। और उसके बाद बेटा जो ये नैरो पार्ट आपको ऊपर दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस। क्या कहते हैं बेटा इसको? इस्थमस। तो अब बेटा आपने सबसे पहले देखा कि जो फेलोपियन ट्यूब एक फीमेल में होता है, इस फेलोपियन ट्यूब में हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। एक तो सबसे पहले जो फनल शेप्ड पार्ट है इनफेंडिब्यूलम, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है एम्प्यूला, और तीसरा पार्ट है इस्थमस। उसके बाद बेटा जो ये आपको यहां पे स्ट्रक्चर दिखता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस। ये सारा यूट्रस है, मगर यूट्रस का जो ये नैरो पार्ट आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। एक्चुअली बेटा अगर आप गौर से देखेंगे जो ये ब्रॉडर पार्ट है यूट्रस का, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। और जो बेटा ये डूम शेप्ड पार्ट है यूट्रस का, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। तो चले बेटा अब आपने यहां पे फिलहाल 2 पार्ट्स देखे, अभी तो ओवरी आपने कुछ नहीं देखा। फिलहाल आपने फेलोपियन ट्यूब देखा, और फेलोपियन ट्यूब में आपने देखा कि इसका पहला पार्ट इनफेंडिब्यूलम है, दूसरा पार्ट एम्प्यूला, और तीसरा पार्ट इस्थमस। और फिर आपने यूट्रस देखा, डूम शेप्ड पार्ट फंडस, मेन पार्ट बॉडी दैट्स कॉल्ड एज बॉडी, और उसके बाद बेटा जो नैरो पार्ट है यूट्रस का, दैट्स कॉल्ड एज सर्विक्स। मगर बेटा अब आपने क्वेश्चन ये उठेगा, सर ओवरी कहां पे है? आप देखे बेटा ये यहां पे ओवरी है, दिस इज द 1 ओवरी एंड दिस इज द अनदर ओवरी। और जो ओवरी होती है, ये 1 ओवरी है और ये 2 ओवरी है। ये बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये यहां पर जो आपको इनफेंडिब्यूलम दिखता है, ये बेटा इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की ओर अगर आप देखोगे, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्बरी। इनको बेटा हम फिम्बरी कहते हैं, और ये बेटा पार्ट एंड पार्सल है
इन्फेंडिब्यूलम का, और ये ओवरी को बराबर बेटा, अगर मैं इस हाथ को ओवरी मानूंगा, ये बराबर बेटा इसको अपने शिकंजे में कस लेते हैं, तो ओवरी बेटा किसके शिकंजे में गिरी होती है? फिमरी के। उसके बाद बेटा ओवरी तो हवा में नहीं रहेगी, ये बेटा लिगामेंट्स के साथ जुड़ी होती है, विद यूट्रस एज वेल एज बेटा शाबाश विद द फेलोपियन ट्यूब। तो ये बेटा यहां पे लिगामेंट्स है जो जिसके साथ बेटा ये जुड़ा होता है, और ये बेटा आपके फेलोपियन ट्यूब या बेटा फेलोपियन ट्यूब के साथ भी लिगामेंट्स के जरिए जुड़ा होता है। अब देखिए बेटा होगा क्या, ये बेटा अब आप डिजिग्नेट यहां करोगे एज ओवरी। तो ये बेटा इसके लिगामेंट्स है जो जुड़े हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब के साथ, और ये वो लिगामेंट्स है जो यूट्रस के वॉल के साथ जुड़े हैं। अब बेटा जरा यहां की ओर नजर रखिएगा होता क्या है। उसके बाद बेटा अगर हम आगे की ओर देखेंगे, ये बेटा शाबाश जब ओवरी एग रिलीज करती है, ओवुलेशन होती है, तो ये ओवम चला जाता है बेटा इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता सीलियरी मूवमेंट्स के जरिए पहुंचता है एम्प्यूला में। अगर इस बीच में बेटा स्पर्म आई तो स्पर्म बेटा इस एग के साथ यहां फ्यूज हो जाती है, और यहीं पे बेटा बनता है जाइगोट। इसलिए बेटा हम आमतौर कहते हैं कि जो एम्प्यूला है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे बेटा हमारा वजूद शुरू होता है जब हम मां के यूट्रस में होते हैं एज जाइगोट। उसके बाद बेटा जो सर्विक्स है वो चला जाता है बेटा एक और बेटा मस्कुलर ट्यूब में, एंड दैट मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड एज वेजाइना। इसीलिए बेटा सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल को हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। सो ये बेटा अब यहां पे डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चले बेटा एक साथ सारे बोलिए, ये पार्ट जो है क्या है, सारे बोलिए शाबाश, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स फर्दर होते हैं? तीन सर, सबसे पहला इनफेंडिब्यूलम, दूसरा एम्प्यूला, तीसरा स्थमस। शाबाश बेटा, सबसे पहले क्या लिया, फेलोपियन ट्यूब, पहला पार्ट क्या है इनफेंडिब्यूलम, दूसरा पार्ट क्या है एम्प्यूला, तीसरा पार्ट क्या है स्थमस। उसके बाद बेटा किस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक बेटा प्रोजेक्शंस होती है, एंड दोज आर कॉल्ड एज फिमरी, इनफेंडिब्यूलम है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिमरी बेटा, ये ओवरी को अपने शिकंजे में रखते हैं ताकि जब ओवुलेशन हो जाए जो एग है वो डायरेक्टली चला जाए किसमें, फेलोपियन ट्यूब। और फिर बेटा किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखेंगे एम्प्यूला। उसके बाद बेटा यूट्रस की ओर आएंगे, यूट्रस में कितने पार्ट से बेटा, तीन। शाबाश, सबसे पहला फंडस जो डूम शेप्ड है, मेन बॉडी दैट्स कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस, और उसके बाद नैरो पार्ट दैट्स कॉल्ड सर्विक्स। और जो सर्विक्स होता है बेटा फिर वो एक पार्ट में बेटा चला जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड वेजाइना, और सर्विक्स प्लस वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा एक और चीज दिखाया, वो आप वहां पर भी दिखाएंगे, जो बेटा यूट्रस का वॉल होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसके तीन लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं बेटा, तीन। अच्छी तरह से बेटा देखिए, सो तीन लेयर्स इसके हैं। यहां से भी बेटा हम ऐसी इन्हीं कलर से दिखाएंगे, ये बेटा इसके तीन लेयर्स है, इसी तरह एग्जाम में आप दिखाएंगे। सो ये बेटा इसके तीन लेयर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दे आर, सबसे पहला जो बेटा बाहर वाला लेयर है इसको हम कहते हैं पेरिमेट्रियम। उसके बाद बेटा जो बीच वाला पार्ट होता है जो मसल्स का बना होता है दैट कॉल्ड इज मायोमेट्रियम, और उसके बाद बेटा जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। आज के बाद बेटा मेरे साथ बोलिएगा, अगर आपको कोई कहेगा कि यूट्रस के वॉल में कितने लेयर्स हैं, सर तीन लेयर्स है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दे आर पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगर एग्जामिनर ने बेटा लिखा होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो फिर आएगा एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरिमेट्रियम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आएगा बेटा बनाना, अच्छी तरह से पार्ट्स डिजिग्नेट करने आएंगे। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे, जो अब बेटा आपके इस बोर्ड एग्जाम में आएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस, जरा एक नोट लिखिए टेस्टिस पे, और ये बेटा या तो दो नंबर का क्वेश्चन होगा या तीन नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बेटा अब आपको सीधे लिखना आएगा। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वहां पे वो ये होना चाहिए कि जो टेस्टिस है दे आर द, बेटा मैं यहां पे लिखूंगा आउटलाइन दूंगा और आपको बेटा फिर वहां पे अच्छी तरह से आना चाहिए। सबसे पहले बेटा जो टेस्टिस है दे आर द प्राइमरी, इसी तरह लिखेंगे बेटा। एग्जामिनर बहुत खुश होता है जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं,
क्योंकि जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्जामिनर को सीधे पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसको अच्छा लगता है बेटा पढ़ने में। क्योंकि जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो पेपर भी एग्जामिनर को अच्छा लगता है चेक करने में। इसलिए बेटा जब भी लिखा करो तो पॉइंट्स में ही लिखा करो। अगर आपको आगे जाके आईएएस या केएस में जाना है वहां पर भी बेटा आप इफेक्टिव रहोगे। एक तो बेटा नटशेल में लिखना चाहिए, मैंगदक्षण जादलिया किनासा किए। अगर आप बेटा कभी कभी कोई पेपर लिखते हो तो आप बेटा एग्जामिनर को बहुत तंग करते हो। सपोज मैं मुझे परेपोरा से लाल चौक जाना है तो आप क्या लिखते हो, मैं परेपोरा गया, फिर गाड़ी में चढ़ा, फिर कंडक्टर ने मुझे बोला कि पैसा किराया दे दो, फिर मैंने किराया दी, फिर मैंने उसने 10 रुपये दिए, उसने मुझे 2 रुपये वापस किए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लाई ओवर पे चढ़े और फिर एंड पे लाल चौक में पहुंचे। भैया मेरे सीधे बोलो ना, परेपोरा में गाड़ी में चढ़ा और लाल चौक में उतरा, ये सब कुछ बेटा सब कुछ फिर समझ आता है कि ये बंदा परेपोरा से उठा और लाल तो चला गया। जो बीच में ये कहानियां बनाते हो ना बेटा, ये बोर करते हैं एग्जामिनर को भी और आपका वक्त भी जाया करते हैं। बस क्रिस्पी लिखो बेटा, क्रिस्प नोट बनाना चाहिए। तो चले बेटा, सबसे पहला होगा टेस्टिस प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या पहला पॉइंट लिखोगे कि जो टेस्टिस है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आप लिखेंगे कि जो टेस्टिस है इसका जो शेप है ये ओवल शेप्ड है, शाबाश बेटा। उसके बाद इसका जो कलर है ये बेटा ओवल शेप्ड है, अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद जो इसका कलर है वो लगभग बेटा पिंकिश होता है। उसके बाद ये भी आप देखेंगे कि इसके डायमेंशंस क्या है, इसकी जो बेटा लेंथ है वो बेटा 4 to 5 centimeters है और इसकी जो बेटा विड्थ है वो लगभग 2 to 3 centimeters होती है। ये भी बेटा आप अच्छी तरह से लिखेंगे क्योंकि नोट में बेटा ये सब कुछ लिखा गया होगा। उसके बाद आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमेन होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। ये भी बेटा नोट में लिखा गया है। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि क्यों ये आउटसाइड द स्क्रोटम है, वो भी नोट में लिखा गया होगा। क्योंकि जब ये एब्डोमेन के बाहर है बेटा स्क्रोटम में, इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 degrees Celsius लेस हो जाता है देन द कोर बॉडी टेम्परेचर, और इससे एक एडवांटेज आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है। क्योंकि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है, ये आपके कोर बॉडी टेम्परेचर पे कभी नहीं हो सकता है। और आपको पता बेटा हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 98.4 degrees Fahrenheit है और इस टेम्परेचर पे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। तो इसीलिए बेटा कुदरत ने क्या किया, टेस्टिस को बेटा पेट से बाहर फिंकवाया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम, ताकि बेटा स्क्रोटम में रहने से, बॉडी के बाहर रहने से कोर बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 degrees Celsius लेस होगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करे। ये बेटा मेन इसका वजह है। चौथा पॉइंट अब देखिए बेटा आप क्या लिखेंगे कि जो टेस्टिस है इसके बाहर से एक टफ कवर होता है, एंड दैट टफ कवर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी बेटा आप लिखेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये भी बेटा आप लिखेंगे। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट जो आप इस पर लिखेंगे कि जो टेस्टिस होती है इंटरनली वो डिवाइड हुई होती है 250 compartments में, अच्छी तरह से बेटा देखिए, ये 250 compartments में डिवाइड हुई होती है और हर किसी कंपार्टमेंट को हम एक नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल, और हर किसी टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल में फिर आपको मिलेंगे 1 to 3 seminiferous tubules। क्लियर बेटा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी डायग्राम दिखाई थी आपको, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं यहां पे। फिर हर किसी आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 seminiferous tubules मिलेंगे, दैट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि बेटा इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको अगर मैं यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना के दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा, ये बेटा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये बेटा अब इसमें आपको सेल्स मिलेंगी, क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगी, एंड दीज क्यूबॉइडल सेल्स आर कॉल्ड ए जर्म सेल्स, और बीच बीच में बेटा आपको ऐसे ट्री लाइक सेल मिलेगी और इन्हीं सेल्स को बेटा हम कहते हैं सेरटोली सेल्स। तो चले बेटा उसके बाद आप कहेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर से जो एपिथेलियम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम।
और जो जर्माइनल एपिथेलियम होता है इसमें आपको बेटा दो किस्म की सेल्स मिलेंगी, एक तो क्यूबाइनल सेल्स एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स, और जो एक क्रिसमस ट्री लाइक सेल्स है दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेरेटोली सेल्स। उसके बाद बेटा आगे की ओर आप क्या बोलेंगे कि जो जर्म सेल्स है इन्हीं से बेटा बनते हैं स्पर्मेटोजोआ एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर बेटा? उसके बाद जो सेरेटोली सेल्स होती है, फिर लिखेंगे आप कि सेरेटोली सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल्स है, और सपोर्टिंग सेल्स का काम क्या होता है, एक तो बेटा ये सपोर्ट करते हैं इन जर्म सेल्स को, और दूसरा बेटा जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ यहां पे होते हैं उनको एक कंटिन्यूअसली देते हैं नरिशमेंट। ये अगला पॉइंट आपका होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो बेटा आपका वहां पे रहेगा वो ये है कि सपोज ये बेटा यहां पे टेस्टिस है, ये अब इनमें बेटा यहां पे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में बेटा मैंने अभी आपको डिस्कशन में कहा था ये बेटा यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये एक से तीन तक हो सकते हैं इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में आपको एक स्पेस मिलेगी जिसको मैं बेटा व्हाइट कलर से यहां पे लूंगा, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल स्पेस, और इसी इंटरस्टीशियल स्पेस में बेटा आपको खास किस्म की सेल्स मिलेंगी, एंड दो सेल जिनको मैं बेटा एक और कलर से यहां पे लाऊंगा, खास किस्म की सेल्स मिलेंगी, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिंग सेल्स, और बेटा इनको हम एक और नाम देते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स, और जो इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दोज हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोजन, और मेन एंड्रोजन जो होता है दैट इज टेस्टो सिटेरॉन, और जो टेस्टोस्ट्रॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चले बेटा अब हम एक मिनट के लिए रिवाइज करेंगे कि क्या क्या आपने बेटा इसमें आप याद रखा, तो चले बेटा रिविजन करेंगे। ये बेटा यहां पे आपका टेस्टिस है, गौर से देखिएगा, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इट्स द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला पॉइंट यही आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आएगा कि जो मेल का टेस्टिस होता है एक तो बेटा ओवल शेप्ड है, पिंकिश कलर का है, और उसके बाद ये आप लिखेंगे कि इसके इर्द गिर्द एक टफ कवर होता है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसका बेटा विड्थ कितना है। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि क्यों बेटा कुदरत ने इसको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा, पेट के बाहर रखा, और बेटा उसके पीछे वजह यही था कि टेम्परेचर इसका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रखना था, कम, इसीलिए तो किया गया ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए। उसके बाद फिर आप आएंगे कि इंटरनली जब हम एक टेस्टिस को देखते हैं उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हर किसी कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं, और हर किसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, और फिर उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे और कहेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर से एक एपिथेलियम होता है, दैट्स कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम, जिसमें दो किस्म की सेल्स मिलती है, वन इज कॉल्ड जर्म सेल्स जो आगे जाकर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, और उसके बाद सेरेटोली सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स है जो नरिशमेंट देते हैं, किनको बेटा डेवलपिंग स्पर्म्स। उसके बाद बेटा अगले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड इज इंटरस्टीशियल स्पेस, और इसी इंटरस्टीशियल स्पेस में आपको खास किस्म की सेल्स मिलती है, एंड दिस आर दे आर कॉल्ड इज लेडिंग सेल्स और इंटरस्टीशियल सेल्स, और यही इंटरस्टीशियल सेल्स बेटा एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड इज एंड्रोजन, और मेन एंड्रोजन जो बेटा होता है टेस्टोस्ट्रॉन, और टेस्टोस्ट्रॉन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, एक तो वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिजाइन करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में बोला जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओवरीज। तो पहला बेटा डायग्राम्स में हमने डिस्कशन किया, उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन बेटा टेस्टिस, और अब शॉर्ट नोट ऑन ओवरीज। तो चले बेटा शॉर्ट नोट ऑन ओवरीज में आप क्या लिखेंगे, ये भी बेटा दो नंबर का क्वेश्चन आने के बेटा प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए बेटा ये आपकी ओवरी यहां पे है, गौर से देखिए। अब मैंने अभी बेटा फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को दिखाया कहां पे होता है, लिगामेंट्स के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद बेटा अब आपको इसमें भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने बेटा टेस्टिस में आपको बोला था। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्राइमरी
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्ग, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं। क्यों बेटा प्राइमरी? क्योंकि एक तो बेटा इसी ओवरी से ओवम बनता है और इसी ओवरी से बेटा फीमेल हार्मोन्स बनते हैं, एक तो बेटा एस्ट्रोजन बनता है और प्रोजेस्टेरॉन बनता है, इसीलिए तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दर्जा ले रहा है ना बेटा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ओवरीज है, अभी मैंने दिखाया दो होते हैं, प्रेजेंट वन प्रेजेंट ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड इज अटैच्ड विद द बेटा फेलोपियन ट्यूब विद द पेल्विक कैविटी एंड विद द यूट्रस विद बाय हेल्प ऑफ लिगामेंट्स लिखेंगे। उसके बाद बेटा आप ओवरी के डायमेंशंस देखेंगे कि जो ओवरी है ये बेटा 2 to 4 centimeter बेटा विड्थ में हो या लेंथ में होती है, ये भी बेटा आप याद रखेंगे। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे कि जो ओवरी होती है फीमेल में, इसमें दो रीजन्स होते हैं, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर मिडिल रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला, और इन दोनों को हम एक नाम से जानते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा के बाहर से बेटा आपको एक एपिथेलियम मिलेगा एंड दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम, और जो ये जर्माइनल एपिथेलियम होता है यहीं से बेटा ओगोनिया बनते हैं ड्यूरिंग बेटा फीटल लाइफ। याद रखिएगा बेटा यहां पे एक पॉइंट कि जो फीमेल होती है वो बेटा अपने जो एग्स है ओगोनिया जो है वो बेटा सारे के सारे फीटल लाइफ में ही बना। सो फीमेल जो है वो अपने तमाम के तमाम ओगोनिया जो है वो फीटल लाइफ नहीं बनाती। उसके बाद बेटा फीमेल फिर कभी ओगोनिया नहीं बनाती है, ये आपको बेटा अपने टीचर ने पढ़ाया होगा, आपने जिधर भी पढ़ा होगा उसके बारे में आपको टीचर ने कहा होगा ऐसा क्यों, मगर यहां पर बेटा मैं राग नहीं छेड़ना चाहता हूं क्योंकि इससे आपका टाइम यहां पे वेस्ट होगा। हमें बोर्ड पे बेटा यहां पे प्रोजेक्ट फोकस करना है, हमें आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बेटा इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, इससे बेटा आपका नोट भी अच्छी तरह से डिजाइन हुआ है और आपकी डायग्राम्स भी बेटा अच्छी तरह से डिजाइन हुई है। उसके बाद बेटा अब हम रिविजन पे आएंगे कि सर अभी तक हमने क्या क्या याद रखा। चले बेटा मेरे साथ साथ बोलिए, यहीं पे याद कीजिए, फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो ओवरी है वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर बेटा। उसके बाद क्यों? सर क्योंकि यहीं से एक तो एग्स बनते हैं और यहीं से फीमेल हार्मोन्स बनते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, क्लियर। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसके डायमेंशंस क्या है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये बेटा लोअर एब्डोमेन में होता है ऑन ईस्ट साइड और अटैच हुआ होता है एक तो पेल्विक कैविटी से, यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट जो आप यहां पे लिखेंगे कि एक ओवरी में दो हिस्से होते हैं, एक तो बेटा शाब्बाश आउटर पार्ट कॉर्टेक्स इनर पार्ट मिडिला एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओवेरियन स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा के इर्द गिर्द जर्माइनल एपिथेलियम होता है जो फीटल लाइफ में बेटा फीमेल में तमाम के तमाम ओगोनिया बना डालता है। ये बेटा आप याद रखेंगे ओवरी में। टाइम कितना है अभी? कितना हुआ? अच्छा चलिए, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। चले बेटा मैं पहले एक चार्ट दूंगा आपको क्योंकि मैं वसूक के साथ बोलूंगा जब आप बेटा इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे एग्जामिनर के सामने, क्योंकि बेटा यहां पे खतरा है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सीधे। डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम बेटा क्या करेंगे, अपने एग्जामिनर को बेटा मुतासिर करेंगे, खुश करेंगे, पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे एग्जामिनर इंतहाई खुश हो जाएगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो इससे पहले कि बेटा आप लिखेंगे डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या बेटा डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपली मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर मेल में स्पर्म्स कब बनते हैं और कब ये बनना खत्म हो जाता है, जैसे फीमेल में आप देखते बेटा मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस जो है ओजेनेसिस इन फॉर्मेशन ऑफ एग्स पता है बेटा कब शुरू होता है, फीटल लाइफ पे, और उसके बाद बेटा ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तब तक बेटा ये होता रहता है जब तक फीमेल मीनोपॉज हासिल नहीं करती है, और फीमेल में मोस्टली बेटा अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक पे जाएंगे 50 साल की एज पे बेटा उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है एंड दैट्स कॉल्ड एज मीनोपॉज। क्या मेल्स में भी ऐसा होता है? ना बेटा, अगर हम देखेंगे मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जो ये प्यूबर्टी की एज मुकरर की गई है ना बेटा ये 13 साल है, क्योंकि 13 साल की एज के बाद ही अब एक मेल जो है
वो बेटा अपने टेस्टिस में स्पर्म्स बनाने में कामयाब हो जाता है और ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मैं कहूंगा ये प्रोसेस बेटा चलेगा टिल डेथ, जब तक एक इंसान बेटा इस दुनिया में होता है मेल, टिल डेथ बेटा वो स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाता है। मगर बेटा विद एजिंग जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ है वो डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ जो बनने का वो कम होता है, मगर बनता तो है। So, दूसरा पॉइंट आप यही लिखेंगे कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस मेल में स्टार्ट होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड रिमेन्स देयर टिल डेथ, हाउएवर विद एजिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ डिक्रीजेस। उसके बाद बेटा अब हम पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद बेटा फिर आप लिखोगे। देखिए बेटा कैसे आप फ्लो चार्ट आप डिजाइन करेंगे अच्छी तरह से बेटा आप यहां पर देखेंगे, और इसके लिए बेटा आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप बेटा इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट बना डाई मार्क्स आ गए। तो सबसे पहले बेटा शुरू होता ये जर्म सेल्स। तो आप देखिए बेटा ये जर्म सेल्स क्या करते हैं, मैं बेटा एक कलर पहले इस्तेमाल करूंगा। ये जर्म सेल्स बेटा मल्टीप्लाई करते हैं और बनाते, इसी तरह लिखेंगे, और बनाते हैं स्पर्मेटागोनिया। अच्छी तरह से बेटा देखिएगा स्पर्मेटागोनिया, और जो स्पर्मेटागोनिया होते हैं बेटा ये अभी भी डिप्लॉयड होते हैं और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। अच्छी तरह से बेटा यहां पे नजर। उसके बाद बेटा अब जो ये स्पर्मेटागोनिया है ये बेटा जर्म सेल जो है स्पर्मेटागोनिया बने, और इस फेज को बेटा हम एक नाम देते हैं, इसी तरह बेटा आप एग्जाम में लिखेंगे, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। उसके बाद बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो स्पर्मेटागोनिया है ये बेटा कन्वर्ट होते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी भी जो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और इनमें क्रोमोसोम नंबर अभी भी होता है बेटा 46। अच्छी तरह से बेटा यहां पे नजर रखिएगा, थोड़ा बहुत बोर्ड जो है वो जंप कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसको क्या हो गया, तो चले बेटा खुद बेचारा ठीक हो जाएगा। तो चले बेटा ये अब यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, अभी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड है क्योंकि उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना बेटा 46। उसके बाद बेटा जरा यहां पर नजर रखिएगा, इस फेज को बेटा हम एक नाम देते, इसी तरह एग्जाम में लिखना बेटा, दैट फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अच्छी तरह से देखना। उसके बाद बेटा अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, अब बेटा ये मियोस्टिक डिवीजन दिखाएंगे, एंड नाउ दे फॉर्म टू, अच्छी तरह से देखना बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर बेटा? अब यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने? दो। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा अब आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड। क्योंकि यहां पर बेटा एक चीज हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस वन। उसके बाद बेटा अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये अब बेटा फर्दर एक और डिवीजन दिखाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन टू। तो अब ये बनाएगा फोर स्पर्मेटिड्स, ठीक, और ये जब चार स्पर्मेटिड्स बनाएगा और इसी फेज को बेटा हम एक नाम देंगे अगेन मियोसिस टू या मियोसिस सेकेंड, और इन दोनों फेज को हम मिलजुल के बेटा एक नाम देते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज मैच्यूरेशन फेज। तो दिस इज द मैच्यूरेशन फेज। उसके बाद बेटा आप आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब जो ये चार स्पर्मेटिड्स है ना बेटा ये अब बनाएंगे फोर स्पर्मेटोजुआ,
और यहां भी बेटा अब ये हैप्लॉइड है और यहां भी ये हैप्लॉइड है, और इस फेज को बेटा आप एक नाम देंगे बोर्ड एग्जाम में जब ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज डिफरेंसिएशन फेज। डिफरेंसिएशन फेज, तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, अगर हम अब इस फ्लो चार्ट की ओर जाएंगे, बढ़िया तरीके से बेटा देखिएगा कैसे बनाएंगे आप इसको। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ने मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए तो बेटा इस फेज को हमने नाम दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्म सेल्स बेटा डिवाइड करेंगे और बनाएंगे स्पर्मेटागोनिया, अभी भी ये डिप्लॉयड है। उसके बाद बेटा अब ये स्पर्मेटागोनिया ग्रो करेगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेगी और बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अभी भी इसमें क्रोमोसोम नंबर बेटा 46 है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना था, एक, अब कितने बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो, और एक फेज यहां पे होगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज मियोसिस वन। और अब बेटा ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर मियोटिक डिवीजन टू दिखाएंगे और बनाएंगे फोर स्पर्मेटिड्स, एंड दिस इज द मियोटिक डिवीजन टू। और बेटा मियोसिस वन और मियोसिस टू जब इख्तिताम पे हो जाता है, इन दोनों बेटा फेजेस को मिलजुल के हम एक नाम देते हैं मैच्योरेशन फेज। और उसके बाद बेटा जो स्पर्मेटिड्स है फिर वो बेटा कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन फेज। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा पहले मैच्योरेशन फेज दिखाता है, डिफरेंशिएशन फेज दिखाता है, वहां से चार स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इसी याद। So that clear indicates कि जब बेटा आपको कल के लेक्चर में इसका नोट भी लाया जाएगा कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है वो चार फेजेस में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज। उसके बाद बेटा अब यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जिनको मैं अलग कलर से बेटा आपके सामने लाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी न रहे। तो अच्छी तरह से बेटा अब यहां पर देखिएगा, जब स्पर्मेटागोनिया बनाता है बेटा, जब स्पर्मेटोगोनिया बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, अच्छी तरह से बेटा देखिएगा। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, बस बेटा एक के चार्ट लगे सर, कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटागोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद बेटा एक और चीज अब आपको यहां पे याद रखना है, जब स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स, द स्ट्रक द रिजल्ट बेटा प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड्स। उसके बाद बेटा जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखेंगे बेटा इन तीन प्रोसेसेस को, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। सारे बोलिए बेटा व्हाट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सर कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटागोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। शाबाश बेटा, व्हाट इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स टू स्पर्मेटिड्स, एंड व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ। तो बस बेटा इस टेबल को याद रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी मुट्ठी में आया और उसके बाद बेटा पांच नंबर भी आपके मुट्ठी में आ गए। तो दीजिए बेटा आज मुझे इजाजत, क्योंकि आज हमने बेटा कुल मिला के पांच क्वेश्चंस डिस्कस किए। सबसे पहले बेटा मेल प्रोटिव सिस्टम, फिर फीमेल प्रोटिव सिस्टम, फिर शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस, शॉर्ट नोट ऑन ओवरीज, और अल्टीमेटली एक फिफ्थ पांच नंबर के क्वेश्चन को भी हमने यहां डिस्कस किया, एंड दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दैट मींस कि बेटा जब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता होना चाहिए कि जब जर्म सेल्स बेटा स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, this process is called sperm formation or spermatogenesis. ठीक है, तो इसी से बेटा मुझे इजाजत दीजिए, सलाम अलैकुम।